नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो सुबह के 5:45 हैं और आज मैं हो गई हूँ लेट, और लेट तो हो गई हूँ और चिंता इतनी हो गई है मुझे इस टाइम पर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रात में नींद नहीं आती तो सुबह में आँख नहीं खुलती, तो आज वही हुआ है मेरे साथ। तो बहुत सारा काम है, लाइक बच्चों के टिफ़िन्स बनाने हैं और एज़ यूज़ुअल झाड़ू भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ मैं, क्योंकि बाद में आराम से काम कर लेंगे। लेकिन जो एक एक रूल है घर का, एक नियम है, वो मैं कभी नहीं तोड़ती हूँ, चाहे कितना भी लेट हो जाऊँ। ज़्यादा अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मंदिर वाला एरिया, जहाँ पर मेरा मंदिर है, और किचन, हमेशा मैं इन दो जगह पर झाड़ू लगाती ही हूँ। तो आप भी सुबह उठकर अगर अपने पूरे घर में झाड़ू नहीं लगा पाते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन किचन में और मंदिर वाले एरिया में ज़रूर झाड़ू लगाइएगा। तो बस मैंने झाड़ू लगा दिया किचन में, मंदिर वाले एरिया में और इस बाहर वाले रूम में। और उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। जब तक मैं नहा कर आई, हस्बैंड ने जो है बच्चों के टिफ़िन के लिए फ्रूट्स काट दिए, बॉटल्स भर दिए, प्लस उन्होंने जो ये कुछ कुछ सामान मुझे फ्रिज से बाहर निकलवाना था, लाइक बटर, चीज़, वो सब उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो चलिए अब टिफ़िन बनाना शुरू करते हैं। ऑलरेडी लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे 6:30 तक 100% टिफ़िन बनाना ही है, और स्पीड बहुत ज़्यादा है आज मेरी। फटाफट काम करेंगे और बढ़िया वाली रेसिपीज़ बनाएंगे, एकदम मज़ेदार, जिन्हें बच्चे भी खुश होकर खाएंगे और आपको भी बनाने में मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ छोले हैं जिन्हें उबलने के लिए रख दूँगी। तो रात में मैंने छोले भिगो दिए थे और इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं है, एक कटोरी छोले ही होंगे। और नमक वगैरह डालकर एक तरफ इन्हें उबलने के लिए रख देंगे। तो ये हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी भी साथ साथ करती जा रही हूँ मैं, क्योंकि इन्हें उबलने में एक दो सीटी लगानी है, तो ये साइड बाई साइड होता रहेगा और उस टाइम पर मैं अपने दूसरे काम भी मैनेज कर लूँगी। तो तीनों चूल्हे चलेंगे आज और फटाफट काम होगा। तो मैंने गैस के ऊपर रख दी है कढ़ाई और अब चलते हैं फ्रिज में। क्या लेकर आई हूँ मैं, साबुत धनिया, तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ क्योंकि बाहर लग जाते हैं कीड़े। उसके अलावा मैंने हरी मिर्ची ले ली है, तो एक पतीले में मैंने पानी भर लिया है। हालांकि मेरी मिर्ची वगैरह सब साफ धोकर सुखाकर मैं रखती हूँ, और मैं इस प्रकार से कपड़े में बांधकर मिर्ची रखती हूँ ताकि मॉइस्चर ना आए इसमें। और फ्रेश धनिया मैं ऐसे ही पॉलीथीन में रखती हूँ, फ्रेश रहता है बिल्कुल। देखिए हफ्ते भर का ये धनिया है, हफ्ते भर पुराना और एकदम फ्रेश है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। मेक श्योर कि जिस पॉलीथीन में आप इसे रख रहे हैं एकदम टाइट से उसे बांधिएगा, और जब आप इसे लाते हैं इसे धोए ना, एज इट इज़ रखिएगा, तो फ्रेश बना रहता है। तो ये है कुछ आलू जो मैंने कल रात में 11 बजे के करीब उबाले थे। चूंकि मैं बहुत लेट सोती हूँ तो मैं ऐसे बॉइलिंग वाले काम रात में कर लेती हूँ, ठंडा करके फिर फ्रिज में रख देती हूँ। और मैं आलू ना कभी कभी छील के रखती थी फ्रिज में, तो मुझे कमेंट आया था पिछली बार कि आप जब फ्रिज में रात में आलू उबाल के रखते हो तो उन्हें छीला ना करें, ऐसे ही रखिएगा। तो उनकी बात मुझे अच्छी लगी कि चलो बढ़िया है, एक नया वो मिला है, किसी ने कुछ चीज़ बताई है तो आई हैव टू फॉलो। तो मैंने इसलिए इन्हें छील कर नहीं रखा था, सुबह उठ के छील लिए, बिल्कुल भी समय नहीं लगा। और आलू भी मैंने हस्बैंड से बाहर निकलवा दिए थे ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, एकदम ठंडे आलू। फिर आप गरम अगर करेंगे तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं फिर। तो चूँकि सुबह में हम टिफ़िन बना रहे हैं, प्रेप कर रहे हैं, मैंने रात में आलू उबाले हैं, आप चाहे तो सुबह में भी उबाल सकती हैं अगर आपके पास समय है तो। और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे ये आलू या जो भी हम बना रहे हैं आलू का, क्योंकि हम इस प्रकार से बनाएंगे। तो मैंने आलू के अंदर डाला है 100 ग्राम के करीब पनीर। ये वो पनीर है जो मैंने आपके साथ लाइव क्लास में बनाकर दिखाया था, ये वही पनीर है, एकदम फ्रेश रहता है, स्टोर कर सकते हैं आप, मैंने स्टोर किया हुआ था, बढ़िया रहता है। जब आपको यूज़ करना हो बाहर निकालो और इसे इस्तेमाल करिए। तो मैंने खड़ा धनिया कूट लिया है और हरा धनिया काट लिया है, हाथ धो लिए हैं, और चलिए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल और खड़ा धनिया थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून होगा जिसे कूट कर डाला, और जीरा डाला आधा छोटा चम्मच, सौंफ भी डाली जा सकती है, मुझे मिला नहीं, कहाँ रखा था, फ्रिज में रखती हूँ वो मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने स्किप कर दिया। फिर इसमें डाली मैंने हरी मिर्ची, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, और आधा चम्मच चाट मसाला, ये चाट मसाला है, लाल मिर्ची का पाउडर, और 1 टीस्पून गरम मसाला, और स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। आप यहाँ पर खूब सारी हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं तो स्वाद और ज़्यादा बनता है, ये हरे मटर ऐड कर सकते हैं। चूँकि मेरे बच्चे मटर भी नहीं खाते और हरी मिर्ची भी कम खाते हैं, लाइक तीखा नहीं खा पाएंगे, तो मैंने दोनों चीज़ें, मतलब मटर तो डाला ही नहीं, मिर्ची कम डाली है।
और इसे हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे मीडियम हीट पर। खूब सारा हरा धनिया ऐड कर देंगे। हमारी टेस्टी सी स्टफिंग तैयार हो गई है। बिल्कुल भी समय नहीं लगाया इसे बनाने में। अब एक पंथ दो काज आज मैं करूँगी। आप देखें मुझे लेट हो गया है तो कैसे कैसे मैं काम करूँगी। बिल्कुल भी समय नहीं है आज मेरे पास। जैसे कभी आँख नहीं खुलती तो सारी प्लानिंग्स फिर ऐसी हो जाती है कि जल्दी जल्दी बस काम करने हैं, तो वही कर रही हूँ। और किस तरीके से आप भी प्लान कर सकते हैं कि एक ही चीज़ से दो दो तीन तीन रेसिपीज़ कैसे बना सकते हैं, ये आइडियाज़ मैं आज आपको दूंगी। तो चूँकि मेरे घर में कल राशन आया था तो ब्रेड आए थे, तो फ्रेश ब्रेड हैं ये। मैंने हस्बैंड को बोल दिया, उन्होंने इनके एजिस मुझे निकाल कर दे दिए और मैंने 2 गैस पर रख दिया है। एक पे पैन रख दिया, एक पे मैंने रोटी बनाने वाला तवा रख दिया। दोनों पे मैंने बटर लगा दिया और अब ये जो ब्रेड के स्लाइस हैं इन पे भी अच्छे से बटर लगा देंगे। तो बच्चे खाएंगे इसलिए अच्छे से बटर लगाइएगा। और बच्चों को टिफ़िन में जब आप इस तरीके से सैंडविच वगैरह देती हैं तो अच्छी खासी क्वांटिटी में आप इसमें स्टफिंग रखिएगा। कंजूसी बिल्कुल ना करें, नहीं तो गले में अटकते हैं ये। आप चाहे तो इन पे हरी चटनी लाल चटनी लगा सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो मैंने नहीं लगाया है। दोनों तरफ मैंने ब्रेड बनने के लिए रख दिया है। लो फ्लेम पर इन्हें क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। आप चाहे तो किसी सैंडविच मेकर में भी इन्हें सेक सकती हैं। मेरे पास है वो भी, लेकिन मुझे अब कुछ सूझ नहीं रहा था। बस मुझे यह था कि फटाफट काम ख़त्म करना है, इसलिए मैं ऐसे मैनेज कर रही हूँ। और मेरे बेटे के लिए हस्बैंड ने बना दिए थे जो चॉकलेट स्प्रेड होता है ना, वो वाले सैंडविच। वो नहीं खाएगा ये, क्योंकि इसमें थोड़ी मिर्ची भी है, प्लस नहीं खाता है वो। चीज़ वाले सैंडविच खाता है जो मैं कैप्सिकम अनियन वाले बनाती हूँ, तो वो मैं नहीं बना रही हूँ। वो ये वाले नहीं खाएगा, इसलिए हमने उसके लिए चॉकलेट स्प्रेड करके सैंडविच बना दिए हैं और उसके टिफ़िन ऑलरेडी पैक हो चुका है। तो यहाँ पर ये दोनों बच्चों के टिफ़िन की तैयारी चल रही है। अच्छे से मैंने सारे ब्रेड स्टफ़ कर लिए हैं। 2 ब्रेड सीख रहे हैं और जितने भी ब्रेड्स हैं उन्हें भी हम अच्छे से स्टफ़ कर लेंगे, भर लेंगे। तो समय वेस्ट बिल्कुल ना करें और थोड़ा सा भी समय अगर है तो उसमें कोशिश ये करें कि दूसरा काम कर लिया जाए। तो छोले उबल गए हैं, 2 से 3 सीटी ही मैंने लगाई है और ये सैंडविच भी बन चुके हैं। बड़ी बेटी नहा चुकी है। और कल एक कमेंट आया था, जैसे मैंने बोला था ना कल की वीडियो में कि हस्बैंड ने आलू छील के दे दिया, तो एक कमेंट था कि हस्बैंड से तो आलू छिलवा लिया, बेटी से नहीं छिलवा सकती, हस्बैंड काम कर लेंगे पर बच्चे नहीं करेंगे। अरे भाई, सुबह सुबह बच्चे काम कैसे करेंगे? आप मुझे बताओ, बच्चे अपने रेडी होंगे, नहाएंगे धोएंगे, चोटी बांधेंगे कि या किचन में मेरे साथ आलू छिलवाएंगे? सुबह सुबह नहीं हो पाता है बच्चों से। बच्चे बाद में घर में आके बहुत हेल्प करते हैं मेरी, लेकिन सुबह सुबह मैं उनको किचन के काम में नहीं लेती हूँ क्योंकि लेट हो जाते हैं। तीनों का काम चलता है और हस्बैंड जब अगर फ्री हैं, या अगर मेरी मदर इन लॉ फ्री हैं, या घर में और कोई मेंबर मेरे साथ रहता है, अगर वो भी फ्री हैं तो उनको वो अगर मेरी हेल्प कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? या ये कहीं लिखा हुआ है कि बच्चे ही हेल्प करनी चाहिए, बच्चे ही करेंगे, बच्चे ही आलू काटेंगे? जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है काफ़ी हेल्प करते हैं बच्चे, अपने से खाना भी बना लेते हैं, रोटी भी बना लेते हैं। मेरे बच्चे दोनों एक्सपर्ट हैं, कर लेते हैं सारे काम, लेकिन सुबह सुबह मैं नहीं चाहती कि वो किचन में आएं और कुछ कंट्रीब्यूट करें। वाटर बॉटल वगैरह अगर भरना है तो ऑफकोर्स वो भरते हैं, जब समय होता है वो करते हैं। एनीवेज यहाँ पर टिफ़िन तैयार हो गए हैं, मैंने पैक कर दिया है फटाफट। तो तीनों बच्चों के टिफ़िन पैक हो गए हैं। हस्बैंड ने जो है बेटे का टिफ़िन पैक कर दिया क्योंकि चॉकलेट स्प्रेड वाले सैंडविचेस उसके लिए बने हैं और दोनों बच्चों के फेवरेट सैंडविच बन चुके हैं। तो जैसे तैसे करके काम हो गया है। अगेन 6:30 से पहले सारा काम मैंने कर लिया है जल्दी जल्दी। और ये चीज़ मैंने निकाला था कि सैंडविच में चीज़ भी डालूंगी, लेकिन ये मैं भूल गई डालना, पर कोई बात नहीं। जो सैंडविचेस हैं ना ऐसे बहुत शानदार लगते हैं, पर हाँ अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ ऐड की जा सकती है। अगर आपके बच्चों को पसंद है तो आप 100% ऐड करिएगा। मेरे बच्चों को चीज़ पसंद है लेकिन थोड़ा थोड़ा, अगर मैं इनमें डालती तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालती, ज़्यादा वो नहीं खाते। तो मैं भूल गई, हालांकि सामने रखी हुई चीज़ें कई बार नहीं दिखती हैं। तो बस अब ये छोले उबल गए हैं, चेक किया मैंने, 2 सीटी ही लगानी है, ज़्यादा नहीं लगाना है इसमें। हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी भी साथ साथ करती जा रही हूँ। तो ये जो छोले हैं इनका पानी निकाल दिया है मैंने सिंक में और अब इन्हें फटाफट हम साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। और ये देखिए टाइम आप देख रहे हैं, 6:30 हुआ है अभी। तो बच्चे रेडी हो रहे हैं और मैं अब हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो जब चोटी बनाने की बारी आएगी मैं चली जाऊँगी। तो बच्चे भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बैग लगा रहे हैं अपने। तो अगेन मैंने फ्रिज में से निकाला है कुछ कुछ सामान, जिसमें मैं निकालूँगी शिमला मिर्ची यहाँ से। तो आज मैं दाल चावल नहीं बना रही हूँ क्योंकि समय नहीं है, दाल भी नहीं भिगो पाई मैं। तो आज बढ़िया वाली रेसिपीज़ दूँगी, बिना टमाटर के हम सारी चीज़ें बनाएंगे। अब जैसे टमाटर महंगा है
तो किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं और टेस्ट भी एकदम डिफरेंट आएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़ हैं, आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो कल मैंने लौकी वाली एक सब्ज़ी बनाई थी दाल, उसमें से लौकी बचा था मेरे पास हाफ, तो उसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो लौकी मैंने कद्दूकस कर लिया, अब लौकी के साथ मैंने गाजर भी कद्दूकस करना है, तो गाजर को भी छील लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। अब ये काम मैं यहाँ पर इस टाइम पर कर रही हूँ, लेकिन आप समय बचाने के लिए ये कद्दूकस करके इवन आप उबाल कर भी फ्रिज में रात में रख सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। हस्बैंड को मेरे 8:15 के करीब जाना पड़ता है, 8:15 वो निकल जाते हैं, तो मेरे पास समय होता है, तो मैं इसलिए आराम से कर लेती हूँ काम, कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपके पास समय नहीं तो रात में प्लानिंग आप कर सकती हैं। तो मैंने कुकर में लौकी यानी घिया और एक गाजर घिस के डाल दिया है, और थोड़ा पानी डालकर हाई फ्लेम पर 2 सीटी दे देंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 सीटी। इनफैक्ट आप चाहे तो ओपन पैन में बॉईल कर सकते हैं, लेकिन अगेन गैस भी ज़्यादा लगेगी, समय भी ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए प्रेशर कुकर में आप 1 सीटी दे देंगे, तो भी अच्छे से आपकी दोनों चीज़ें बॉईल हो जाएगी। बीच बीच में ये काउंटर टॉप मैं क्लीन करती रहती हूँ। और ये जो मेरा चॉपिंग बोर्ड है, इसके बारे में बहुत कमेंट्स आते हैं कि आपने इसे कहाँ से लिया। तो मैंने इसे ऑनलाइन नहीं लिया है, मैंने इसे एक लोकल कारपेंटर से बनवाया है। ये काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे काम इस पे आसानी से हो जाते हैं। जैसे मैं फूड बिज़नेस में हूँ, तो मुझे पिज़्ज़ा बनाने होते हैं, गार्लिक ब्रेड बनानी होती है, तो रोलिंग पिन जैसे हमारा होता है ना चकला, उसी शेप का है, लेकिन बहुत बड़ा है, चकला छोटा पड़ जाता है, तो उसी पर्पज़ से मैंने इसे बनवाया था। और इसकी कॉस्टिंग थी 1100 रुपये। शीशम का है ये, तो बहुत ही बढ़िया है। बस एक ही गड़बड़ है कि नीचे में प्लास्टिक वाले इसके वो दे दिए हैं, जो नीचे वो होते हैं ना सपोर्टिंग जो होता है, वो प्लास्टिक का, जिसकी वजह से ये स्लिप होता है। तो जब भी आप अगर ऐसा बनवाती है तो लकड़ी वाले लगवाइएगा, तो फिर ये स्लिप नहीं होगा। एनीवेज़, यहाँ पर ये देखिए, मैंने 2 शिमला मिर्ची ली और इनको मैंने ऊपर से कट कर लिया, अंदर के बीज निकाल दिए, अंदर का जो भी मामला रहता है निकाल दिया, और ये स्टफिंग वही है जिससे मैंने बच्चों के सैंडविच बनाए थे। तो मैंने कहा था ना आपको कि एक पंथ दो काज आज हम करेंगे, बढ़िया वाली रेसिपीज़ आज हम बना रहे हैं। अब यूजुअली जब भी हम ये स्टफ्ड कैप्सिकम बनाते हैं तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन आज हम इन्हें एक अनोखे तरीके से बनाएंगे। ट्रस्ट मी गाइज, आप एक बार ये रेसिपी ट्राई जब कर लेंगे ना, आपको इससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि बनाने में इतनी आसान है और खाने में इतनी मज़ेदार कि आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है, मेरी गारंटी है। तो अच्छे से दबा दबा कर स्टफिंग इसमें भरना है, तो ये स्टफिंग मैंने भर ली, अब नाइफ से हम इन्हें कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से कट करना है। अगर आपको लगे कि स्टफिंग कम है तो इस स्टेज पर भी आप स्टफिंग इनमें भर सकते हैं, दबा दबा कर भरेंगे ना तो फिर अच्छे वाले रिंग्स निकलेंगे, और अगर स्टफिंग कम होगी तो रिंग्स बन ही नहीं पाएंगे, लूज़ हो जाएगा स्टफिंग। तो मैंने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए सब्जी बनानी है, दाल चावल आज नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं ये बना रही हूँ। तो यहाँ पर स्टफिंग जब अच्छे से भर लें और आप राउंड्स कट कर लें, तो दोनों हथेली से दबा दबा कर इन्हें सेट कर लीजिएगा, तो फिर बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। तो मैंने 2 तरीके का शिमला मिर्ची लिया है, आप हरी वाली के साथ भी बनाना या लाल वाली के साथ बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। मीनवाइल एक पैन पे मैंने थोड़ा घी लगा दिया है, बटर लगाया है मैंने। आप जब भी इन्हें बनाएं, मस्टर्ड ऑयल में बनाएं तो टेस्टी बनती है, या फिर घी में बनाएं, बहुत स्वाद बनेगी। और पैन गरम करने के बाद इस पे मैंने इन्हें रखा 3 मिनट के लिए, मैंने इन्हें एक तरफ से पकाया एकदम स्लो फ्लेम पर। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर भी स्टफिंग कम है, तो इस तरीके से पैन के ऊपर भी आप स्टफिंग इनमें भर सकते हैं, लाइक ऊपर से भर दीजिएगा और थोड़ा सा दबा दीजिएगा पैन किसी स्पैचुला से, और लो फ्लेम पर इनको आप सिकने दीजिए। जैसे टिक्की सिकती है ना, ऐसा लाल लाल कलर इस आलू का हो जाएगा, तब तक आपको इसे सेकना है दोनों तरफ से। और मेरे जो लौकी और गाजर था वो भी उबल गया, उसको मैंने छान दिया। और ये वही शिमला मिर्ची है जो ऊपर से टॉप लेयर हमने कट किया था, तो वेस्ट नहीं करेंगे, इसी के थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेंगे। और एक पनीर बार ली है मैंने, इसको काट लिया, धो लिया, अब इसके कुछ पीसेस निकाल लेंगे हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। एक शॉर्ट ब्रेक के लिए कुछ बन रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार। तो देखिए सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट बनने आई है, दोनों साइड से लाल लाल होने तक सेक लूँगी मैंने। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। अब मस्टर्ड ऑयल में अगर बनाएंगे तो स्मोकी सा फ्लेवर आएगा, जिन्हें पसंद है उन्हें बहुत टेस्टी लगेगा। मेरे हस्बैंड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है वो फ्लेवर, इसलिए मैंने नहीं डाला है, लेकिन अगर आपको पसंद है ना तो मस्टर्ड ऑयल में बनाना, बहुत ही शानदार बनते हैं। और दूसरी तरफ मैंने एक और कढ़ाई रख दी, इसमें थोड़ा सा तकरीबन एक टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा बटर डाला,
और ये दोनों तरह के शिमला मिर्ची डालें और इन्हें सोते करेंगे तकरीबन एक मिनट के लिए मध्यम आँच पर। तो इन्हें पकाना नहीं है, हल्का सा बस भूनना है, इनका जो क्रंच है वो हमें चाहिए। फिर ये बॉइल्ड चिकपी यानी कि बॉइल्ड छोले इसमें डाल देंगे, काली मिर्ची, चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा हम डालेंगे इसमें चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर, और ये पनीर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, मध्यम आंच पर दो मिनट के लिए भूनेंगे। ये बहुत टेस्टी सी हमारी सैलड कह दें आप इसे, या फिर कोई स्नैक कह दें, बहुत ही गजब की बनती है। अब इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और ये हमारा 2 से 3 मिनट में बनकर तैयार है। तो ये टिफ़िन के लिए बन गया है। सब्ज़ी देखिए एकदम बढ़िया बनी है, एकदम लाल लाल ये ऊपर से हो जाता है टिक्की जैसे, दोनों तरफ से पकाना। और ये ना सोचें आप कि ये शिमला मिर्ची पकेगी नहीं, एकदम पकती है। अब यूजुअली हम जो स्टफ्ड शिमला मिर्ची बनाते हैं, भरवा शिमला मिर्ची, कितनी मेहनत लगती है, तो जो स्वाद आपको उस शिमला मिर्ची में मिलता है उससे कहीं ज़्यादा इसमें मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे राउंड्स है, प्लस हर कोई आसानी से खा सकता है, वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। जब एक पूरा साबुत शिमला मिर्ची आप किसी को देते हैं वो नहीं खाया जाता है, लेकिन इस प्रकार से आप कोई दो भी खा ले, एक भी खा ले, कोई दिक्कत ही नहीं है, वेस्टेज नहीं होता और बनाने में समय बिल्कुल भी नहीं लगता। मीनवाइल रायता बनाएंगे हम, जिसके लिए मैंने दही निकाल ली है फ्रिज से, एकदम गाढ़ी दही है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। दही की रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं, जिनको लिंक चाहिए बता देना, मैं दे दूँगी पर्सनली। तो दही को अच्छे से फेंट लेंगे, दही का कोई भी पार्टिकल, मोटे मोटे गुठली हमें नहीं चाहिए। और दही में जीरा डालेंगे, काला नमक डालेंगे, थोड़ा रेगुलर नमक डालेंगे और ये घिया और गाजर को डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा हरा धनिया ऐड कर दीजिए फ्रेशनेस के लिए, पुदीना है तो वो ऐड कर दीजिए और नहीं है तो स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं, स्वाद बहुत ही ज़्यादा इसमें आएगा ऐसे ही। तो बस यहाँ पर ये रायता भी तैयार है, सब्जी भी तैयार है और स्नैक भी तैयार है। आटा भी गूंथ लिया है मैंने, और मैं अनार काट रही थी, एक अनार ख़राब निकला है। हस्बैंड को जब मैं भेजती हूँ ना कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लाने के लिए, वो खुद से नहीं चेक करते हैं, जो दुकानदार है उसको बोल देते हैं कि मुझे 1 किलो ये चीज़ दे दो। अब वो ख़राब भी बांध दे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा मेरे घर की शॉपिंग मैं ही करती हूँ, चाहे वो ग्रोसरी हो चाहे वो फ्रूट्स वेजीज हो, चेक करके लाती हूँ, लेकिन कभी कभी उन्हें भेजना पड़ता है तो फिर ये परिणाम होते हैं जो अभी हुआ है। एक पूरा का पूरा अनार ख़राब निकला, एक नहीं कई निकल सकते हैं, अभी तो मैंने चेक भी नहीं किया अच्छे से। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अनार छील कर ना थोड़ा रायते में ऐड कर दिया, और अब मैं बना रही हूँ हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं उन्हें सैंडविच दूंगी, हालांकि उन्हें ब्रेड्स पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन जब मैं ऐसे सैंडविच वगैरह बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत वो खा लेते हैं। प्लस आज समय भी नहीं है बिल्कुल भी कि मैं पराठे वगैरह सेकूं, और वो कभी कभी ऐसे मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, सभी के हस्बैंड्स करते हैं, तो जब सैंडविच होते हैं तो सॉस वगैरह दे देती हूँ तो अच्छे से खुश होकर फिर खा लेते हैं। थोड़ा क्रिस्पी सेक दूंगी तो और भी खुश होकर खा लेंगे। मुझे हमें पता होता है ना सबको कि हस्बैंड की चॉइसेस क्या है, हमारे उस हिसाब से हम प्लान कर लेते हैं। तो बस ये सैंडविच मैंने दूसरे पैन में बना लिए हैं, बन गए हैं अच्छे से, एकदम क्रिस्पी सेक लिए मैंने। और अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर 3 से 4 रोटी। तो पहली रोटी होगी गाय की, हालांकि बच्चों का टिफ़िन मैंने बना लिया है पर चपाती तो अब बन रही है। तो पहला फुलका गाय का होगा, ये फुलके ही होते हैं जो मैं बनाती हूँ टिफ़िन के लिए, क्योंकि थोड़ी मोटी मोटी सी रोटियां जो होती हैं अच्छी नहीं लगती, टूटने लग जाती हैं वो। और बढ़िया सॉफ्ट रोटी बनाने के लिए हमेशा आटे को जब आप गूँथती हैं थोड़ी मेहनत करिए, उस पर अच्छे से गूँथिएगा, आटे में क्रैक्स नहीं होने चाहिए उस टाइम तक गूंथना, जब एकदम स्मूथ दिखे आपको, सॉफ्ट दिखे, तब तक गूंथ कर उसे 10 से 15 मिनट हमेशा रेस्ट कराएंगे ना आप, तो रोटी आपकी बढ़िया बनेगी। और दूसरा, जब आप रोटी सेकती हैं तो एकदम ज़्यादा जला जला ना सेकें उसे, थोड़ा सा यू नो ये जो चित्ती सी होती है कम सेकें, और घी हमेशा लगाइएगा टिफ़िन पर्पज से, तो रोटी एकदम सॉफ्ट बनी रहती है। पूरा दिन भी आप रखेंगे ना, ट्रायल बेसिस पे रखिएगा, परफेक्ट आपकी रोटी सॉफ्ट रहेंगी। तो चलिए टिफ़िन पैक कर देते हैं। रोटी मैंने पैक कर दी बनाकर, ये सब्ज़ी बहुत शानदार बनी थी, आप ट्राई करिएगा आपको पसंद आएगी। तो टिफ़िन में मैंने रख दी हैं सारी चीज़ें, सब्ज़ी रख दी, सैलड भी रख दिया, रायता रख दिया, और बस इस प्रकार से सारी चीज़ें ऑन द टाइम हो गई है, नाश्ता भी बन चुका है, बच्चे भी स्कूल समय पर पहुँच गए, सब कुछ हुआ, सारे काम समय पर हुए, कोई भी टेंशन नहीं हुआ। तो देखिए आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकती है, तो एक ही चीज़ से बिना मेहनत के कितनी सारी वैरायटी हमने बना ली। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ ही पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप मुझे कहाँ से देखते हैं ये बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।